अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम्हारे पराए नहीं है घर के दर पे आए नहीं है हम तुम्हारे पराए नहीं है घर के दर पे आए नहीं है हम तुम्हारे पुराने पुजारी हम तुम्हारे पुराने पुजारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के उबा के बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के उबा के बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बांके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने ओ आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल तेरे प्यार में पागल कर डाली रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नन नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बोले दामोदर भगवान की बोलिए मधुसूदन भगवान बोल माधव भगवान एक केशव है एक माधव है एक दामोदर है एक माधव मधुसूदन श्याम राधे राधे गोपाल राधे
भगवान राम जिस समय 14 वर्ष वनवास काट कर घर पर आए तो बहुत उत्सव हुए। वैसा कोई उत्सव न तो कभी हुआ है न होगा, फिर भी जब सब उत्सव पूरा हुआ भगवान के सामने गए तब कौशल्या अम्मा जाकर राम जी को देखती देखती रोने लग गई। कौशल्या जी को ये पता नहीं था कि भगवान को पता है कि मैं रो रही। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जब बालक सो जाता है तब आप उनको निहारती हैं, इसी तरह का एक समय आया और भगवान को कौशल्या माँ निहारते निहारते रोने लग गई। और जब माँ रोई तो ठाकुर जी का आँख खुल गया। क्या बात है माँ, क्या बात है बताओ? बोले बेटा आप ईश्वर हैं, मैं उनके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी उम्र बढ़ा दो, लेकिन जो दिन तुम्हारे बिना मेरा गया है ना, उसको मेरी उम्र में मत जोड़ना। हमारी तो उम्र उसी में सार्थक है जो तुम्हारे साथ भी थी। इतना करना कि जो तुम्हारे बिना मेरी उम्र खत्म हुई है उसको मेरे उम्र में से मत जोड़ना, मत काटना। ठाकुर जी मुस्कुराए, माँ तू अमर है, ये काटना छाटना नहीं, हमारे शास्त्र विचार वही उम्र है, बाकी तो सब जैसे ही गर्त गई, हम इसे ध्यान रखेंगे। तो जिनके कारण अभी अपने सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ये जो हमारा सांस्कृतिक परीक्षा में बीता है आज इतने ठाकुर जी के सानिध्य में, ये क्या हमारे जीवन में साधारण बात है? आप सोचो कोई साधारण होगा क्या? नहीं। आप लोग इतने दिन से हो क्या इतने ठाकुर जी के साथ बैठे? कभी भक्ति के साथ हम खूब बैठते हैं, आज भगवान के लिए जगह नहीं है। ये जो माहौल बना, बहुत ध्यान से सुना, जब उस समय कथा हो रही थी तब इन्होंने कहा मेरे लाला का नाम रख दो ना महाराज, बहुत समय से पहले। अब हमें नहीं पता था कि कब रखा जाएगा, ऐसा क्यों जा रहा है, क्योंकि कोई भी लाला लाते हैं झट नामकरण में कर देता हूँ, लेकिन इनके लिए रोक करके पता नहीं क्यों। फिर मैं बताया इनको कि भाई खर्चा करो, फिर तो बोले महाराज बताओ आज ही करते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं, इसमें तो सब उत्सव हो ही रहा है, अपने अलग से रखेंगे, ये बात रह गई। ठाकुर जी ने कृपा करके समय भी दे दिया, नामकरण का वो शुभ अवसर उस दिन दिया गया। अब ये बार बार महाराज जी क्या करना है, महाराज जी कैसे करना है? मैंने कहा महाराज जी को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, जो तुम्हारे मन में आवे उसको भगवान का नाम मांगकर और वही करना है। धीरे धीरे पंडित जी के मन में आई, फिर मैं तो क्या सोच रहा था एक दो लाला आएंगे, यहाँ लाला की तो बरात लगी है। छोटी छोटी बच्चियां जो नामकरण के लिए ठाकुर जी को लाई, सब अपने अपने घर से बर्तन लाए, फिर वहां खेत में बनाए, फिर अपने अपने लाला को भोग लगाकर सबको मिलाया, और उसके बाद जो सुंदर प्रसाद का हुआ वहां भी करने के लिए चला था। तो कल ये मेरे को ये दिखाने लाए थे, बोल ठीक है महाराज क्या? तो मैंने कहा ये इतना ठीक है कि नाम जब 24 घंटा चल सके, तो ये झट मान भी ले। अब ठाकुर जी को ये भी पता था कि नाम जब भी 24 घंटा हो जाए इससे बड़ा और क्या यज्ञ है। तो सभी लोग इनमें साथ हैं। एक और बात आपको बताओ, जो अखंड होता है ना उसका कोई खंड नहीं कर सकता है, उसमें जो भी जुड़ता है ना वो क्या हो जाता है, अखंड हो जाता है, उसका खंड हो सकता है। फिर आप लोग अगर 5 मिनट भी इस अखंड में आए तो जुड़े कि नहीं जुड़े? इसी नौखा की बात आपको मैं बता रहा हूँ, शास्त्रों की नहीं बता रहा हूँ। जब चौमासा में चल रहा था तो एक गांव से कोई सज्जन आए और मेरे को क्या बोले, बोले महाराज जी मेरे गाँव में लड़ाई हुई है, यही की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ,
बोले मेरा नाम थाने में लिखा दिया है और महाराज मैं आपको गलत आदमी लगता हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा क्यों नाम लिखा है, सच्ची सच्ची बताना आप वहां नहीं थे क्या? बोले मैं तो केवल देखने गया था महाराज। समझ में आई बात जो मैं कहना चाहता हूँ? अब तुम लड़ाई करने जाओ, चाहे लड़ाई देखने जाओ, गलत जगह पर गए थे उसी का ये परिणाम है। और अगर तुम सही हो तो भगवान भी तो है ना, आज से प्रतिज्ञा करो कि लड़ाई देखने नहीं जाएंगे, लड़ाई करने नहीं जाएंगे। और फिर ठाकुर जी का नाम लेकर निकल पड़ो। बोले महाराज जी आपके कोई परिचित यहाँ है थोड़ा मेरा नाम बोल दो कि उनको छोड़ दे। अरे मैंने कहा ये परिचित नहीं मानेंगे, हम जिसको सौंप रहे हैं ठाकुर जी को वो मानते वो जानते हैं, तुम जाओ लेकिन नियमित लोग लड़ाई देखने नहीं जाएंगे। वो गए बेचारे वहां से आए इतने खुश थे, वो तेरा नाम नहीं है, बोले जिनको करना था वही नहीं आए, सबके रोक दिया ना। कहने का भाव क्या है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम साधारण थोड़े ही होते हैं। आप इसमें दो मिनट भी जुड़ गए तो ये अब वापस नहीं आना है, अभी अखंड हो गए, अनंत हो गया है। दूसरा उदाहरण और देता हूं, आपने एक नाम बाली का सुना है कि नहीं? बाली को एक वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने जाएगा उसका आधा बल क्या होगा। तो जब हम शुरू शुरू में पढ़ते तो हमें तो यही मानते हैं कि भगवान राम उसके सामने इसलिए नहीं गए क्योंकि आधा बल क्या होता मदद चला जाता, तब भगवान छुप करके मारा। लेकिन हमारे अगर समाधान हो गया तो कम से कम बाली को भी तो समझ में आता। बाली ने खुद भगवान से पूछा कि मेरे को छुप कर क्यों मारा, अवतार तो लिया है धर्म के लिए और किसी पर छुप कर वार करना ये धर्म कहलाता है क्या? आप बताओ भी कोई धर्म कहलाएगा? धर्म हेतु अवतरो गोसाई और मारो मोहि व्याधि की नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कमल क्यों मारा, मेरे को कारण बताओ। ऐसे थोड़ी ही मार के चले जाओ, हिसाब दो मेरे, न्याय करो। अब मेरे मन में आता कि बाली को यह समझ में नहीं आया होगा कि तेरे को वरदान प्राप्त है, इसके सामने नहीं आए होंगे। लेकिन बात ये नहीं थी, सबसे यही बात जची कि भगवान इसलिए छूट गए थे क्योंकि आधा बल उधर ना चला जाए। अच्छा आधा किसका होता है, जिसकी कोई सीमा हो? अगर किसी चीज का हम आपको आधा करने के लिए बोले तो आप आधा किस चीज का कर सकते हो, जिसका कोई सीमा हो उनका बराबर बांटोगे तब आधा होगा। अच्छा भगवान की कितनी सीमा है बताना थोड़ा, कितना है बताओ, नहीं कुछ बोलना चाहो तो बता सकते हो। जब भगवान की कोई सीमा ही नहीं है तो उनका आधा होता कैसे? भगवान का आधा नहीं होता है, इसीलिए भगवान ने कहा जन्म कर्म जमे दिव्य, जो मेरा जन्म है मेरा कर्म है ये सब दिव्य है, ये मनुष्य जैसा नहीं है, इसलिए इनको मनुष्य जैसा नहीं सोचते हैं। भगवान का थोड़ा सा नक, ये कहने के लिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, थोड़ा होता नहीं है, एक समझने के लिए भगवान का एक थोड़ा सा बाल भी थोड़ा होता नहीं है, वो पूर्ण होता है। क्या होता है? तो उनके लिए क्या कहा, पूर्णमेदा पूर्णमेदम पूर्णा पूर्णमुदच्छते पूर्णश्च पूर्णमाला पूर्णमेवा, कुछ शेष अगर बचा वो भी पूर्ण है क्योंकि शेष होता नहीं है। तो जब भगवान बाली की तरफ जाते तो आधा जाते क्या, फिर पूरा चले जाते, और पूरा चले जाते तो फिर वहां बाली रहता या भगवान? अब भगवान भगवान को मारता देगा? बड़ा सुंदर लीला है। तो जैसे हम अखंड में जुड़ते हैं फिर उसका कोई खंड नहीं कर सकते, फिर पूरे अपना होता है। क्या होता है? पूरे होता है। जो इसे नहीं समझ पाते हैं वो अभी छोटे हैं और नादान है। क्या है? छोटे और नादान है। कैसे नादान है? जैसे एक मैया के चार लाला है, कितने? चार लाला। जो सबसे छोटा वाला है वो तो है नादान, बड़े वाले सब समझदार। अब ये देखा होगा आपने, छोटा लाला जो गोदी में बैठा है बड़ा भाई चिढ़ाने के लिए आता है, कहता तेरी नहीं मेरी मम्मा है, कभी देखा या नहीं? अच्छा गोदी वाला ये बात मानता है क्या? वो कहता ना तेरी नहीं मेरी है,
और जब वो बार बार बड़ा भाई कहता नहीं मेरी है, तो वो छोटा वाला बालक क्या कहता, माँ को बोला तू बोलो ना इसकी नहीं है, और माँ बोल सकती है इसकी नहीं है क्या? बोलो भाई कोई माई है यहाँ बैठी हो बोल सकती हो? वो कहती तू बोलो मेरी है, वो कहती मैं तेरी हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकती कि इनकी नहीं हूँ, हमारी यही तरीके। अच्छा आप बताओ उन चारों बच्चों में से कितनी कितनी माँ एक एक की होती है? और है तो वो एक ही, लेकिन कितनी कितनी होती है गर्दन तक पहले की? ऐसा होगा क्या? सबकी माँ है, पूरी की पूरी माँ है, लेकिन है कितनी? बांटो तो बटेगी नहीं, ऐसे भगवान है। समझ में आया कि नहीं? हम सोचते हैं हमारे भगवान, वो सोचते हैं उनके भगवान, वो सोचते हैं हम लड़ाई कर रहे हैं छोटे बच्चे जैसे, और माँ मुस्कुरा रही है लड़पन में सबकी होंगी और पूरी की पूरी हूँ। लेकिन जब हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ये तुम्हारे भगवान वो तुम्हारे भगवान वो तुम्हारे, हम लड़ लेते हैं, ऐसा नहीं। आप ध्यान से कुछ बातें हम आपको बताएंगे, अगर माला लाई है तो उसका लाभ कैसे लेना होता है। जब आपको काम धंधा से थोड़ी सी फुर्सत मिले, ध्यान से सुनेंगे सर, तब आप क्या करो, थोड़ी देर ठाकुर जी के पास में बैठो, क्या करो जो लाला तुम्हारा है उनके पास बैठो और उनको देखो कि कुछ आप मेरे को कहना चाहते हो क्यों? आप मन में ही मुझसे पूछो, आप देखना एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन हो सकता है दस दिन लग जाए, लेकिन वो तुमसे बोलेंगे और तुम्हें सुनाई भी देगा, करके कोई देखना। आप भगवान के पास जब आप सुबह स्नान कराने जाओ तो बढ़िया गुनगुना चल लेते, जब ये मत सोचो ये मूर्ति ये हमारे लाला है, आप ले जाओ, जब ड्रेस पहनाने लगो तब तो इनको देख के कुछ कौन से कलर का पहनेगा, एक दो दिन में तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये तुम्हें वो भी बताने लग जाएंगे। जब आपको भोजन बनाना हो तब आप लाला के पास थोड़ी देर बैठ के पूछो आज क्या खाएगा लाला, आप देखना आपको ये बताएंगे। आप करके ये सब देखना, जब आप इनसे पूछोगे तो ये आपको बोलेंगे। अभी तक क्यों नहीं बोले? क्योंकि हम इनको पूछते नहीं है, क्यों इनको दिखाने जाते हैं। तरह तरह का भोजन बनाएंगे, कटोरी में थोड़ा थोड़ा रखेंगे और जाकर लाला के सामने रखेंगे, देख ले मैं खाने जा रहा हूँ, उठा के ले आएंगे। जब नहीं जी माने तो जी क्यों जलाओ चूचा खा लो, कम से कम पूछो, जिमाने के बाद भी पूछो आज इसमें कोई फेरबदल करनी है क्या, तेरे को मिर्ची मसाला ठीक लगी नहीं सामने, तो सोने के बाद तुम्हें बता जाएंगे, बताएंगे जरूर। ऐसा मैंने कई घर देखा है। एक बार हम कहीं गए उदयपुर में आग के लिए, तो सूर्यास्त से पहले चिंते थे, तो एक कोई पास का घर था किसी संत के परिचित, वो हमको वहां ले गए, माता राम पति पत्नी वही थे, दो बच्चियां थे उनका ब्याह कर दिया। ध्यान से सुना एक भी घटना बता रहा हूँ, इतना दौड़ दौड़ करके माता राम से आई, हम छह सात लोग थे, एक दो नहीं। जीवने के बाद हम बैठ गए, उनका जो आसन था तो दक्षिण लाने करके पाया जा सकता है नहीं, लेकिन सब में वो वही परोस रही है और ऐसा एहसास नहीं होने दिया आंख वालों को कि इसको दिखता नहीं है। मेरे बहुत मन में बात आई, मैंने बुलाया माता राम आपको दिखता नहीं है, लाला की जो सुंदर सिंगार आंख वाले भी नहीं, आप लोग जो सिंगार करते हैं ना इतनी मोटी उंगली सीधा लगा टेक्का लगा देते हैं, ठाकुर जी का माता छोटा है तुम्हारी उंगली मोटी है तो आंख में चंदन जाता है, क्या आंख में चंदन लगता है, क्या भगवान को दुख नहीं होता होगा? आप सच्ची बताना जितनी आप बैठे हो क्या भगवान के माथे पर उंगली से भी फीकी लगनी चाहिए, जितना माथा है वैसे बढ़िया तुलसी निकाल भी ले लो उससे लगा सकते, रोज नहीं लगता है उनका। जो मैं सिंगार देखा इतना विलक्षण सिंगार, मैंने कहा माता राम ये बोले ये मेरा लाला करा हुआ है जैसे जी माया, मैंने कहा लाला जी माया, बोले हाँ, मेरा हाथ पकड़ करके बोला इस कटोरी में कड़ी डालना मैं डाल दे, मेरे इतना आश्चर्य कैसी विलक्षण बात है। कई बातें उन्होंने मेरे को और भी बताई,
कि महाराज जैसे आपसे और हमारी बातचीत होती है ऐसे प्रत्यक्ष बैठते नहीं करता है, कभी इधर से करता है कभी इधर से करता है, पता तो सही है, ऐसे सबके साथ हो सकता है। ये बात इतनी हो गई जब हम रात्रि में भजन में बैठे तब मैं क्या दिखाई दे रहे, एक चार पांच साल का कोई बच्चा नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं ऐसे सिर वो लाला का लगा हुआ है, अब वो आकर खड़े हो जाते हैं ऐसे 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 करते हैं। अब हमें अंदर ही एक प्रश्नोत्तर चलता है, जैसे कभी आप लोगों को मैं कहता हूँ साफ सफाई को लेकर के ऐसे ऐसे खुजली करते हैं तो मेरे को वो बात याद आई कि देखो उस समय बोलता हूँ तो वही अब याद आ गई, फिर मैं ऐसे आँख खोल करके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ी देर आँख खोले ऐसे कर रहा था तो फिर जैसे आँख मूंदता तो देखता उधर से आ रहे हैं खड़े हो रहे सुनो, ये स्थिति हुई आँख मूंदो जैसे वो फिर हम उठकर शाम में चले गए। ये बात इतनी हुई, अगले दिन कथा में जब मध्य दिशा में हम बैठे तो वही लाला फिर गोदी में आगे बोले जो महाराज गोदी में, तब वो बात मेरे याद आई कि ये तो यही थे रात में। उनसे मैंने कहा एक काम करो ठाकुर जी का जो बाल है इनमें देखो कुछ जीव तो नहीं है। अब जितने लोग थे सारे हंस गए महाराज क्या इनके जू पड़ेंगे, मैंने कहा आप चिंता मत करो हम इनसे कह रहे हैं, वो दादी और पोती आई हुई थी और दूसरे दिन आकर क्या बोलती है रोने लगते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, बोले ठाकुर जी के बाल में दो छोटे छोटे जीव थे जो दराज में छोटे छोटे जीव आ जाते ना सफेद कहीं लकड़ी के कनारे आप देखे होंगे घरों में तो दो जीव उसके बाद आप और हम नहीं जानते हैं कि कितने कोमल हैं, हम तो सोचते हैं मूर्ति ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, ये गलतियां हम लोग ना करें, अगर आप सेवा करती हो तो करती तो इसीलिए हो कि भगवत प्राप्ति हो जाए भगवान है तो उस बात को पूरा निभाना भी तो चाहिए थी। इनको बहुत कष्ट होता है, आप सबसे मेरा निवेदन है इतनी बड़ी टीका मतलब आँख में जाता है इनके, फिर आप साफ करने जाती हो तो आँख में छूट जाती है फिर छोटी बड़ी हो जाती है, कितना उनको गंदा लगता होगा। तो क्या करना चाहिए, जब लाला रखते हैं तो रोज टीकी नहीं लगाते हैं, हमेशा ये बात याद हो जो भगवान के पास शरीर में नहीं आता वो दिव्य शरीर में होते हैं, उनको हवा से भी स्नान आता है। एक कांच रखो, कांच उस कांच में जैसे मान लो इधर ठाकुर जी हैं तो ऐसे करो इसमें दिखेंगे दिखेंगे कि नहीं, वहां कांच पर टिक्की लगती है उसी पर स्नान होता है तो पानी नीचे ऐसी भी दीदी इन पर निशान नहीं आने देना है, जब बार बार आप लगा के जोर से घिसते हो तो वहां निशान पड़ता है, कैसे जैसे आप लोग टिक्की आगे लगाते हैं पंथी लग लगाते हैं तो हमारे भी हो जाते हैं, ध्यान है कि ऐसे रोज नहीं करते हैं ऐसे तिथि त्योहार पर श्रृंगार करते हैं। अब श्रृंगार उतारते कैसे हैं, ऐसे नरम पकड़ लेते हैं पहले पानी से उसको गीला करते हैं फिर यहाँ ऐसे लगाते हैं थोड़ी देर फिर कुर्सी में चिपक जाता है और गीला हो जाएगा तो हल्के से छूट जाता है, ध्यान है कि जब भी लाला को स्नान कराते हैं तो इत्र नहीं डालते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वो आँख में चलन बहुत करती है कभी भी नहीं, वो लाला की आँख इसलिए खराब होती है तो इत्र कभी भी ऐसे नहीं लगे, इत्र कभी भी भगवान के ऐसे नहीं लगाते, ध्यान रखना। इत्र कैसे लगता है, थोड़ा सा रुई ले लो और उस रुई में करके भगवान के वस्त्र के पास रख देते हैं, आजकल ड्रायर होता है उससे आप धूल हटा सकते हो, एक छोटा सा ब्रश रखो ठाकुर जी के कपड़े को फिर से ब्रश करो, पॉलीथीन नहीं मिलती है जिसमें पैक होकर आता है आप उसको थोड़ा खरीद के घर में रख लो, उसमें ब्रश बढ़िया सुखा कर ड्रायर से धूला झटा कर रख एक बूंद इत्र डाल के और पैक करके अब रख दो, अब वो वस्त्र कभी भी पहनाओगे तो नया ही लगेगा, नहीं लगेगा क्या, लेकिन यहाँ जितने बैठो बहुत कम लोग ये बात करते हैं, फालतू खर्चे तो खूब करेंगे, वो क्या करते हैं अभी ये ड्रेस उतारा और ड्रायर से डाल दिया दोबारा नया पहना दी, अब वो जब दोबारा तुम दो तीन महीने में पहनाओगे तो उसमें स्मेल आएगी, उसमें हल्की हल्की स्मेल आने लगेगी, सन पड़ा हुआ हुआ आपको नहीं जचेगा, ध्यान आ रहा है कि नहीं, तब आप कितने ड्रेस लाओगे तो बताओ, ड्रेस लाना पैसे का बल हो सकता है लेकिन ड्रेस को संभाल के रखना प्रेम हो सकता है नहीं हो सकता है,
जितने यहाँ बैठे हो आप सोचो, ड्रेस नया नया पहनाना तो पैसे का जोर हो सकता है, लेकिन उस ड्रेस को सुरक्षित रखना प्रेम हो सकता है। और भगवान पैसे से मिलेंगे या प्रेम से? प्रेम से। जो ड्रेस आपका पुराना हो जाए, जो ड्रेस आपका पुराना हो उसको एक दिन खोल लो, दोबारा फिर से सिल लो, एक कागज के ऊपर एक कपड़े के ऊपर किसी कट कर लो। जब आप अपने हाथ से बनाओगे ड्रेस तो भगवान ज्यादा राजी होते हैं खरीदने के पीछे। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन वो उसकी माँ का होगा, जो लहंगा पहनेगा वो उसकी माँ का बनाया होगा। दूसरी बात, अगर आप लाला के पास में बैठकर आधा घंटा माला फेरोगे तब आपका मन झाड़ू पोछा में जा सकता है, बाजार दुकान मकान में जा सकता है, पर पंचायती मन में आ सकती है। लेकिन अगर तुम सेवा में लग रही हो, ड्रेस से लग रही हो, तब आपका मन कहीं नहीं जाएगा। है बात ये सही कि नहीं? तो ये समय हमारा एक नंबर का बीता है उस माला फेरने से ज्यादा। आप ड्रेस को बढ़िया से अपने हाथ से सिल लो, मुकुट अपने हाथ से बना लो, जिनको नहीं आता उनको बना के दे दो। जिनके वास्तविक में काफी दिन के कपड़े हो गए हैं, बड़े पुराने हो गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको खेत में कहीं जाकर एक फिट खड्डा खोद करके उसमें ही लगा देते हैं मिट्टी में, ऐसे नहीं कहीं चढ़ाते हैं। अब आपको लग रहा होगा महाराज जी पीपल में चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, नदी में बह के तैरागत की गलत है, क्योंकि वो बह करके इधर उधर जाता है। आप पीपल पर चढ़ाओगे नगर पालिका वाले उठा करके कचरे में डाल देंगे, होता है ना? आपके घर में ऐसे कोई मूर्ति खंडित हो जाए, कोई फोटो खंडित हो जावे, पीपल पर नहीं चढ़ाते हैं। फ्रेम और कांच अलग कर लो, वो भगवान का तो है नहीं, उसमें जो चित्रपट है उसको लो, एक पतीले में शुद्ध जल भरो और उस पतीले में फेंका दो। 15 मिनट बाद हाथ से ऐसे मसल कर उसमें पन्नी है वो बाहर निकाल दो और वो किसी पौधे में डाल दो। आप पीपल में डाल सकते हो, अब आपको दोष नहीं लगेगा। कोई मूर्ति खंडित हुई है, वैसे लाला आदि को तो मूर्ति हम मानते नहीं है, तो मेरे बेटा है उनकी चर्चा नहीं चल रही है। अब बेटे का हार्ट टूट जाए तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं, बताओ ऐसा करना चाहिए? ये तो लाला है, हम और मूर्ति की बात कर रहे हैं, लाला मूर्ति नहीं है। कोई मूर्ति खंडित हो जावे तो उसको भी शुद्ध जगह पर जमीन पर इतना खड़ा करके अंदर देते हैं, समझ ध्यान आया या नहीं? पीपल पर आप इन सब चीजों को मत चढ़ाओ कि वो सीधा कचरा में जाता है, बहुत अशुद्ध जगह जाता है। वो नहीं जानते हैं ये भगवान है, वो तो कचरा समझते हैं। आप जानते हो आपको दोष लगता है तो कभी भी पीपल के गड्ढे पर इस तरह से नहीं करते। कोई राख है जिससे भी ये हवन हुई, अब ये राख प्राय आप पीपल में जाकर ढेर लगा दोगे, वो उठाकर कचरे में डाल देंगे। ये राख बड़ी पवित्र है, आप अपने खेत में पहुंचा दो, वहां पर थोड़ा सा मिट्टी हटाया और बड़ी अंदर डाल कर दी, वो उसमें धूल में जाएगी, परम पवित्र होता है खेत। बस हमारा हाथ पर गंदी जगह नहीं डालना है, ध्यान आया कि ऐसे बढ़िया सुंदर सुंदर आप लोग ये करो और ठाकुर जी की बहुत सुंदर सेवा करो। अपना संबंध नहीं बदलना, अगर आप बेटा मानते हो तो बेटा मानो, पोता मानते हो तो पोता, भाई पिता जो भी तुम्हारे मन में हो, भगवान सब निभा सकते हैं, भगवान निभा देंगे। ध्यान से सुनो, भगवान में कोई कोई आप तो इस संसार का कोई भी संबंध अच्छा लगता हो वो भगवान में मान लो, पर भगवान तैयार है। ये बात जब स्वामी जी महाराज सत्संग में बता रहे थे तो एक सज्जन कोई पूछे चाहे कि महाराज भगवान पत्नी भी बन सकते हैं क्या? शायद उनके मन में नहीं होगी, भी नहीं होगी। तो स्वामी जी ने कहा हाँ बन जाएंगे। बोले किसी का बना? बोले हाँ सबको बने ना। इतनी देर सासी की बहू नहीं बनी क्या? पत्नी बनी, पति की सेवा की होगी, झाड़ू पोछा रोटी चौका बर्तन सब आता है उनको। आपको जिस चीज की जरूरत हो वैसा संबंध, बस ध्यान ये रखना है कि भाई बदलना नहीं है। आप लोग क्या करते हो? बदल जाते हो, बेटा भी मांगते हो और साथ में पूछते हो सुबह सूतक में क्या करें महाराज मंदिर में ध्यान है क्या? सुबह सूतक में आप बेटे को मंदिर में देते हो क्या? बेटा मानो तो बेटा ही मानो। आप बेटा मानने का एक और बात ध्यान से सुनेंगे हम लोग,
इसका ये अर्थ नहीं होता है कि तुम चाय खिला दो, तुम उनको चॉकलेट खिला दो, जहाँ चाहो ये रख दो, ये बेटे का नहीं है। आज जो अच्छी माँ होती है, अच्छा बेटा होता है, उनको तो ये साधारण माँ ही नहीं देती। बोलो अच्छी चीज है क्या? कहती बेटा ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो क्या वो भगवान को देने वाले क्या? अब कई माता है बोलती महाराज मैं आपको बेटा मानती हूँ। बेटा मानती है, भाव है, लेकिन वो आदर करती है या नहीं? ऐसे एक लोकीनाथ है तुम्हारे लिए बेटा है, तो तुम्हारा भाव भी तो ऊंचा होना चाहिए ना। बेटा है लेकिन साधारण बेटा नहीं है ये। पर अगर साधारण ही होते मन मूत्र वाले तो फिर ये क्या निहाल करते? तो वो आदर का भाव रखो, जहां तहां मत रखो उनको। अब कभी कोई एक वीडियो वायरल हुआ था कि लेकर के नहीं घूमना चाहिए, वो पूरी बात आप लोगों ने नहीं सुना था। इसीलिए मैं पंचांग रथ में डोंगरे जी महाराज की बात भी छुपवाई, बोले सदा साथ रखो ना, बस जहां तहां मत रखो, हर किसी को छूने मत दो, हर कुछ मत गिराओ। एक आदर है, वो आदर बुद्धि ध्यान से सुनेंगे, वो आदर बुद्धि का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। आप इन छोटे छोटे बच्चों में भी अगर आदर का भाव रखोगे तो ये भी तुम्हारा आदर करेंगे। तो त्रिलोकीनाथ है, हम इनको बेटा मानेंगे और ये हमको माँ बाप मान लेंगे। अब अगर हम इनके माँ बाप बन गए तो कल्याण में बाधा आएगी कभी? तो ऐसे सुंदर सुंदर भाव इनके पास बैठो, इनको देखो, इनको निहारो, इनका पोशाक, इनकी पगड़ी, इनका आसन, इनके जब भी सेवा करो तो दो बाजों पर रखो। सुबह उठते ही ठाकुर जी को बुढ़ा करके एक बाजों पर रख दो, दूसरे पर स्वामी जी रख दो, और मंदिर को पूरी तरह से, ये मंदिर को धूल आया कि नहीं, पूरे को बढ़िया गर्म पानी से पोछार लगाकर इत्र का छिड़काव करके फिर श्री ठाकुर जी को पोशाक पहना करके आप भले ही बेटा मानते हो लेकिन बढ़िया ढंग से वहां पर रखो, और फिर देखो कितना खुश होते हैं। अगर आपको इस चीज का अनुभव ना आता हो तो ठाकुर जी को नाद लगाओ, रात में अगर सो भी तो ये एहसास करो, ये अनुभव करो कि लाला मेरे पास है, इसको कोई कष्ट नहीं हो। तब आप देखना कि रात में तुम्हें अनुभव होगा कि लाला का पैर इधर आ रहा है, थोड़ा आराम से बच्चे फिट कर रहे हैं, और धीरे 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 पता भी सोने लग जाते हैं। ये सब खेल केवल भाव का है, भाव है वो भगवान है, और भाव नहीं है तो दुर्योधन की सभा में प्रत्यक्ष भगवान है। उसको समझ में आई कोई बात? अभी तो तुम्हें लगता ऐसा होगा, लेकिन क्या दुर्योधन की सभा में जो भगवान थे वो भगवान थे या नहीं थे? लेकिन दुर्योधन को लगा पता, भाव नहीं था। भाव से भगवान है, और भाव से जो बचता है उसका भाव सागर समाप्त हो जाता है। अपने भाव ही तो बनाना है, भाव को बढ़िया बढ़िया बनाओ, खूब बढ़िया। कभी बैठे रहो, आंख बंद रखो, तो ऐसे अनुभव करो ठाकुर जी इधर छू रहे हैं, छूने लग जाएंगे तुम्हें। ठाकुर जी मेरे साथ खेल रहे हैं, वो खेलने लग जाएंगे। ठाकुर जी जीमते हैं, वो जीमने। तुम करो तो सही, लेकिन आज लोगों को कहाँ ले जा रख दिया। शुरू शुरू में दो चार ड्रेस ले आए थे, पहना दिया है, पड़े हैं बेचारे, कहीं गए तो छोड़ आए, छूट गए तो उनको याद ही नहीं हो, तो कह रहे काम खत्म हुआ। ऐसा नहीं, आप भी लाला से प्रेम करो, देखो ये तुम्हारे साथ कितना खेलते हैं, सब कुछ बताएंगे। आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो कि ठाकुर जी कितना आपके साथ खेलते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप इनको सही मानोगे तब, और जब आप सही नहीं मानोगे तो ठाकुर जी को क्या पड़ी हुई है, वो तो साफ कण कण में रमे हुए हैं, वहां कर लेंगे। वृंदावन की घटना मैंने पढ़ा, एक बाबा जी लाला रखते थे, तो वहां खारा पानी है, भिक्षा किया और एक वहां की ब्रजवासन तो थेपड़ी बना रहे थे, तो बाबा जी भिक्षा लेकर आ गए थे, बोले मैया ये मेरे लाला है, काफी बड़े लाला थे, इनको तुम रखो, मैं थोड़ा पानी लिया। तो जिस हैंडपंप पर गए वो खारा, दूसरे पर गए खारा, तो थोड़ी दूर जाना पड़ा, इधर मैया ने थेपड़ी थाप ली, ध्यान से सुने के, और फिर मन में आया देखे ये बाबा का लाला है कैसा, तो जब कपड़े से देखा तो बहुत सुंदर, तो हाथ में ली तो हाथ पर टेढ़े, वो इसको इतना दुख हुआ, इतना छोटा लाला, ये बाबा लिए घूम रहा है, इसको ये पता नहीं कि दोनों टाइम तेल लगाते हैं, हाथ पैर जम हो गए इसका, और बाबा जी को क्या पता पर्चे कैसे रखते हैं। अगर असलियत जानना चाहो
तो 3-4 घंटे के बच्चे को मुख में मेरे को कोई चीज देना था तो मेरे से छुआ नहीं कि वो इतना गीला गीला कैसे था। ये तो माताएं कोई हैं जो संभाल लेती हैं। तो वो देखिए इतना टाइट और इतना छोटा बच्चा, इसी तो जिंदगी खराब कर दी इस बाबा ने। बेचारी रोती रोती वो थेपड़ी थापने वाले पानी से लगी मालिश करने के भगवान इस छोरे की जिंदगी खराब कर दी इस बाबा ने। हमारा जितना पुण्य हो सब इसको लग जाए। अब वो मैया तो मैया ही होगी ना, पानी वाला वो थेपड़ी थापने वाला पानी से मालिश शुरू कर दी। ये बाबा जी को कुछ पता नहीं है, इनको क्या पता जिंदगी क्या होती है, ये क्या जाने डॉक्टर पालना ले गया ये यही वर्त तो ऐसा करती करती गालियां पर अस्तोत्र तो गाली और से अप्रेम का धीरे धीरे वही लाला का हाथ पैर खुल गया। झटका झटका दे करके लंबा कर दी उनको। और उसके बाद में जब इधर से वो बाबा जी आए तो देखे मां पता तुझे है ही नहीं, मेरा लाला का क्या बोला, खबरदार मेरा लाला बोले तुम्हें नहीं पालन करना था तो मेरे पास छोड़ दे, जब बड़ा हो जाएगा तो दे दूंगी, पर नहीं तो दोनों टाइम मालिश करना। उनका पैर खराब हो रहा था, हाथ पैर सब जाम हो गया था, बड़ी मुश्किल से मैं सीधा करके खड़ी किया हूँ। वो देखो देखते ही ठाकुर जी जो मुस्कुराए बाबा को कि बाबा वही समाधि में चले गए, ठाकुर जी प्रत्यक्ष खड़े थे। वो आदमी आपको लगता है मुमकिन है, जब सुई की नोक टिके इतनी जगह भी भगवान के बिना खाती नहीं है तो क्या यहाँ भगवान नहीं, अब माने नहीं तो क्या करें। ऐसे बढ़िया लाड़ लगाओ, उनको श्रृंगार करो, उनको देखो, उनको सुनो, उनके साथ बैठो, उनके साथ हंसो, देखो मन में तुम्हारे प्रेरणा करेंगे, आप करके देखो। लेकिन हम लोग कभी कभी वृंदावन भी जाते हैं तो वहां क्या दर्शन करते हैं, सच्ची बताओ। बिहारी जी कैसे मुस्कुरा रहे थे, बिहारी जी का पोशाक कैसे है वो याद नहीं है, लेकिन भीड़ में धक्का कहाँ लगा था वो पूरा याद है, नहीं याद है। हमारा जूता चप्पल उठ गया था वो पूरा याद है, जिस दुकान पर 4 पकौड़े खाए थे वो दुकानदार का चेहरा याद है, लेकिन बिहारी जी को दर्शन करने गए थे बिहारी जी को देखकर नहीं आए हम, उनकी याद कुछ नहीं हमारे जूते में। तो आप सबसे ये कहना है कि आप ठाकुर जी के पास बैठो, उनको सजाओ, उनको बताओ, उनसे मिलो, ठीक है माता है, इनको कभी अकेले नहीं छोड़ देना, ये बोर हो जाते हैं, इनको साथ रखो। आज देखो हमारे लाला जी लाला ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, देखो तरह तरह के हैं, किसी का नाक बड़ा, किसी का आंख बड़ा, किसी का कान बड़ा, किसी का पतला नाक है, किसी का चपटा नाक है, सभी तरह के भगवान है, सब भगवान ही भगवान आए हैं, सबका बढ़िया, किसी के बढ़िया गोल छत्र है, किसी के एकदम चौड़ा है, किसी का छोटा है, किसी के दो है, किसी के एक है, कोई सोधी रहे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे
जान वास वृंदावन दीजिए मेरे।